हाई एवरीबडी आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी सो दिस वीडियो इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द नाटा प्रिपरेशन स्ट्रैटी वीडियो विच आई हैड अपलोडेड तो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी अभी कुछ टाइम पहले ही

so you will have to go to that part one video and then watch it first and then come back to the video ठीक है तो जाओ पहले वाली video देख लो अगर नहीं देखी तो और देख ली तो फिर यहाँ पे वापस आओ Okay guys so before starting with the video i would request all of you to please bring a notebook or a page with you and keep noting down all the topics which i am telling you today agar aap nata ke first attempt examination se pehle ye sare topics se in the way which i am telling you how to prepare if you completely prepare all the topics in the right strategy then i am sure nobody can stop you from scoring 160 marks in nata first attempt examination this इज हाउ ऑल आर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द टॉप मार्क्स इन नाटा एग्जामिनेशन हैड प्रिपेयर फॉर ठीक है तो उन्होंने सिर्फ लाइव क्लासेज अटेंड की थी और जो टॉपिक्स हम अभी मैं आपको बता रही हूँ ना वही सेम टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे फ्रॉम द स्टडी मटेरियल विच आई विल जस्ट शो यू इन टुडेज वीडियो सो मेक श्योर टू नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स एंड स्ट्रेटेजाइज योर डेज इन पर्टिकुलर वीक्स में आपको टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है सही स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे सो नोबडी कैन स्टॉप यू इन स्कोरिंग फुल मार्क्स ठीक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं Okay, guys, so till week 5, we had already covered the topics day wise, right? Now we are coming to week 6. Over here, you can see we have to cover all these topics from 16th Jan to 22nd Jan. I have day wise planning aapko batai hai. day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So every day, वीक सिक्स में यू हैव टू डू दीज थ्री टॉपिक्स आर्किटेक्चरल टर्म्स यू हैव टू प्रैक्टिस टू आवर्स डेली रिलीजियसली यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटजी टू स्कोर टॉप मार्क्स डेफिनेटली इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं जो आपको करना है जितना मैं बता रही हूँ इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा So, architectural terms is more like a theoretical topic. I will just show you how to prepare for this. Uh, then, next is 2D, 3D visualization. Now, this is again a topic in which you have to first understand the concept, and then you have to practice the basic questions, and then you have to practice the advanced question, and then you already know it. You have to give a lot of tests, mock tests, and solving previous year papers. This is again the strategy which we had followed for basic mathematics.

यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे बिकॉज जी के करेंट अफेयर्स एंड इंग्लिश इज समथिंग आप जितना प्रैक्टिस कर लो जितना पढ़ लो उतना कम है एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम सो फिफ्टीन मिनट्स टू हाफ एन आवर एवरी सिंगल डे यू हैव टू गिव फॉर दीज थ्री टॉपिक्स ठीक है तो ये आप खुद ही समझ लेना सारे वीक्स में मैं दोबारा नहीं बताऊँगी नाव लेट इस कम टू आर्किटेक्चरल टर्म्स एड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट बेसिकली एज आई सेट दैट दिस इज अ थियोरिटिकल टॉपिक द थिंग इज दैट दिस टॉपिक के नॉट बी सेल्फ प्रिपेयर ठीक है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है कि इस ये सेल्फ प्रिपेयर क्यों नहीं किया जा सकता बिकॉज आर्किटेक्चरल टर्म्स इज जस्ट द बेसिक टर्म्स विच आर्किटेक्ट्स यूज इन देयर डे टू डे लाइफ राइट नॉट इन द डे टू डे लाइफ ऑल्सो बट सपोज कि अगर हम किसी घर की बात कर रहे हैं राइट right? तो देर इज अ लॉट ऑफ टर्म्स विच आर्किटेक्ट यूज लाइक सिल लेवल लिंटल लेवल तो जैसे डोर्स के ऊपर लिंटल होता है ठीक है उसको हम छज्जा भी कहते हैं इन लेमैन लैंग्वेज तो इफ यू टॉक अबाउट सिलटिल कोलोनेड और यू कैन से बट्रेसिज डोम्स आर्चिस कुछ तो आपको पता ही होंगे टर्म्स का मतलब बट कुछ आपके लिए न्यू भी होंगे ठीक है तो द थिंग इज दैट दिस इज टर्म्स विच ओनली आर्किटेक्ट नोज बिकॉज वो जो पाँच साल पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं ठीक है कैंटे लेवर इज देर प्लिथ लेवल इज देर एंड एवरी थिंगज अ रीज़न टू वर्ड्स इट सो देर इज अ रीज़न वाई प्लिथ लेवल इज देर ठीक है होता क्या है कि जो आप, आपके घर होते हैं ना वो कभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं बने होते हैं बिकॉज द इंसेक्ट्स और वाटर कैन इजिली कम इन साइड योर होम सो हाउस इज ऑलवेज रेज्ड एट अ लेवल ऑलमोस्ट लाइक फोर फिफ्टी एम एम टू सिक्स हंड्रेड एम एम इज द लेवल ऑफ द प्लिन लेवल सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लिन लेवल नाउ दर इज अ होल

ऐसे ही सारे के सारे टर्म्स को आपको सिम्प्लीफाइड में समझना पड़ेगा एंड दिस देर इज़ नो वन बुक फॉर आर्किटेक्चरल टर्म्स बिकॉज देर कांट बी ठीक है अगर आर्किटेक्चर में बहुत सारे चीज़ें होती हैं सबकी पूरी प्रॉपर पढ़ाई होती है तो उसके सिर्फ आपको टर्म्स पता हैं होने चाहिए तो ये आपको कौन पढ़ाएगा ओनली एन आर्किटेक्ट कैन टेल यू इन अ वेरी सिम्प्लीफाइड फॉर्म राइट सो दैट इज द वे यू कैन प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चरल

टर्म्स एंड बहुत ही वर्सेटाइल टर्म्स हैं ये कोई टॉपिक नहीं है इट्स जस्ट anything uh, about architecture and anything that can come and trust me from this single pdf uh, in the last few years almost 10 to 15 questions have come only from this single pdf which we have provided right so this is the way and this is a very important topic i think one of the most important topics that you can prepare for i hope you have understood prepare now let's come to 2d 3d visualization so in 2d 3d visualization guys you have to um, completely understand this concept and the strategy which I have told you over here, understanding the concept. तो बेसिकली basic में तो आपको पता ही है क्या होता है इफ दिस इज अवब सो ह्योर अगर कुछ ऐसा फिगर है तो पूछ लेंगे कि यार ये इसका ना वट इज द टॉप व्यू फॉर दिस पर्टिक्युलर फिगर ठीक है तो मे बी इट इज समथिंग लाइक दिस राइट दिस इज द टॉप व्यू बट दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन राइट एंड ऑल्सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट इफ़ आई फाइंड एनी काइंड ऑफ लाइफ सेशन विच वी हेर प्रोवाइडेड ऑन टू डी थ्री डी विजुअलाइजेशन सो दैट यू नो इट मच बेटर ठीक है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी है या फिर इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता भी है मोस्टली पीपल आर वेरी लीनियंट अबाउट इट दैट दिस इज द थिंग विच क्या ही करना है समझ के राइट तो हियर यू कैन सी दिस इज द वे वी टीच टू डी थ्री डी विजुअलाइजेशन सो लाइव सेशन ई बुक अगेन लाइव सेशन अगेन ई बुक्स एंड टेस्ट्स एज वेल ठीक है तो लाइव सेशन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये तो आर्किटेक्चरल व्यूज पे है बेसिकली ये लाइव सेशन है बट वी ऑल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइव सेशन सो दैट इफ द स्टूडेंट्स हैव मिस्ड मिस कैन एक्चुअली गो एंड वॉच एंड नॉट मिस एनीथिंग तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आप लाइव सेशन देख रहे हो तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट राइट सो जस्ट सी सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर राइट बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं सो वी टीच द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 3D डी फिगर्स विच आर सेल्फ मेड ऑन द बेस ऑफ सॉफ्टवेयर बाई आस तो ये बहुत ईजिली फिर स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाता है एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी होता है राइट सो वी गेव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉफ्टवेयर लाइक दिस राइट सो आई होप दैट यू हव अंडरस्टूड पहले आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद आप ई e बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व करो एंड गिव द टेस्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द टॉपिक ईजिल इन अप्रॉक्सिमेटली सेवन एट आवर्स तो हर दिन एक घंटा दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन ओके सो आई थिंक वीक सिक्स इज़ क्लियर नाउ लेट्स कम टू वीक सेवन वीक सेवन इज़ अगेन अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अगेन टू डी थ्री डी विजुअलाइजेशन वन आर डेली तो ये आपके टोटल फोर्टीन आर्स हो गए बिकॉज़ यार जे ई बी आक में ना जे ई बी आक में हंड्रेड मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ टू डी थ्री डी विजुअलाइजेशन आता है out of 200 marks of aptitude approximately 100 marks were just for 2 3D visualization so you absolutely have to give time for it and you have to practice it a lot

एंड यू कैन से ब्रिक्स ठीक है कॉन्क्रीट के बारे में फाउंडेशन्स के ऊपर तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग एंड देन वी फाइनली प्रोवाइड टेस्ट एज वेल सो यर यू कैन सी द ई बुक इज़ वेल ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइव सेशन की बात है यार आप असाइनमेंट करो ई बुक पढ़ो और फिर टेस्ट दो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इन आर क्लासेज एटलीस्ट सो दिस इज द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स इनकी कोई बुक्स नहीं आती है मार्केट में ठीक है जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ उनकी कोई बुक नहीं आती है इन आर स्टडी मटीरियल वी हैव मेड इट मतलब खुद बनाया है हमें लिटरली एक साल से ऊपर लगा है हमें ये पूरा स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीटली बनाने में तो दिस इज अ वेरी आ, वर्थ टू बाय स्टडी मटेरियल बट सिर्फ स्टडी मटेरियल भी बाय करने का इतना काम नहीं होता है बिकॉज दिस इज अ होल लाइव क्लास स्टडी मटेरियल एंड देन टेस्ट ये सब कुछ मिला के एक टॉपिक कंप्लीट हो सकता है इफ़ यू स्किप द लाइव क्लासेज यू स्किप द इंटायर कॉन्सेप्ट पार्ट तो सिर्फ आप बुक पढ़ के और टेस्ट देख के क्या करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है समझ गए तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द इंटायर कोर्स सो हियर यू कैन सी द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टडी मटेरियल हियर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेक पोजिशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी टू द पॉइंट मैनर कुछ भी ना फालतू का नहीं होता है इसमें बहुत टू द पॉइंट होती हैं सारी चीज़ें स्टेयर केस में भी एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ें उसका मतलब है बट इन द क्लासेस आई विल एक्सप्लेन यू दैट वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर राइजर है तो इसका मतलब क्या है ठीक है ये भी तो पता होना चाहिए ना रटना थोड़ी है नाट एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेसन इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट राइट सो दिस इज़ अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटीरियल इज अगेन द सेम आई एम नॉट शोइंग यू एनी पी डी एफ बट यू हैव अंडरस्टिड द कंसेप्ट राइट सो बिल्डिंग मटीरियल इज ऑल्सो द सेम यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द मटीरियल्स एंड यू हैव टू स्टडी दैम एंड अंडरस्टैंड दैम कि वो क्यों यूज होता है कॉन्क्रीट कहाँ यूज़ होता है एक बिल्डिंग में या फिर ब्रिक्स कहाँ यूज़ होते हैं क्यों यूज़ होते हैं राइट कलर एंड पर्सपेक्टिव थ्योरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गिव वन आर डेली इन वीक एट फॉर दिस बिकॉज कलर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ही ब्रेन स्टॉमिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं स्पॉट द डिफ्रेंसेज की थर्टी मिनट्स की प्रैक्टिस आप करो हर दिन वीक एट में दैट वुड बी इनफ कमिंग ऑन टू वीक नाइन प्लीज़ डू एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन गाइज एंड ये तो क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं ना इसके ऊपर कि क्या ही बताऊँ सो आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी सीन द क्वेस्ज ऑफ ऑन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन लेट मी ऑल्सो ट्राई टू शो इट टू यू वैसे तो आपको पता ही होगा ठीक है यहाँ पे हम देख सकते हो बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर फेमस बिल्डिंग्स इन आर्किटेक्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सो मेनी सेशंस वी हैव टेकन तो हम ट्राई करते हैं कि ना कि जो भी चीज़ें बच्चों को याद करनी है वो क्लास में ही याद हो जाए ठीक है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड दिस इज द इंटायर थिंग कोर्स विच वी प्रोवाइड आई होप यू हैंडरस्टुड द जिस्ट टू फिट बट लेट मी शो यू द मेन थिंग विच इज गोइंग टू बी विच इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली

ठीक है एंड बट इफ़ योर हाउस इज टू सिमेट्रिकल मे बी इट विल बी बोरिंग एज वेल तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ना एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है ऐसी क्या चीज़ें होती हैं एक बिल्डिंग में या फिर किसी डिज़ाइन में विच मेक्स इट ब्यूटिफुल यू स्टडी अबाउट दैट वट आर द रूल्स ऑफ मेकिंग एन एस्थेटिक डिज़ाइन यू स्टडी अबाउट दैट तो उसके बेसिस पे फिर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं uh, अगर मिलता है तो ठीक है uh, आप देखना या आई गॉट इट नो दिस इज द स्पॉट द डिफरेंस क्वेश्चन लेट मी सी वंस ओके सो दिस इज आर टेस्ट आई होप यू कैन सी ओवर योर हाँ ये आप प्रिंसिपल ऑफ डा क्वेश्चन एंड द टाइम इज रनिंग सो मॉक्टेस आर एंटायरली टाइम बेस्ड जस्ट लाइक नाटा एग्जामिनेशन जैसे आप देख सकते हो दिस इज द मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन सो आइडेंटिफाई द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल ऑफ ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है और बुक्स भी नहीं है इसके ऊपर मार्केट में तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने खुद बनाए हैं आफ्टर दनालाइजेशन ऑफ पेपर्स एंड फ्रॉम आर ओन माइंड एंड दीज ऑल द things are made by architects, right? So So identify the 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 most important elements and principles of design in in given image. image so, whatever you think is there in the image after studying all these uh, तो पता, पता चाहिए कि एंडल्यू क्या होता है पॉलिक्रोमैटिक क्या होता है डेप्थ क्या होता है मूवमेंट क्या होता है ए क्या होती है सब पता होगा तभी तो आप क्वेश्चन attempt करोगे पता नहीं होगा तो क्या टुक्का थोड़ी मारोगे ठीक है टुक्का मारने से भी काम नहीं चलेगा का, बिकॉज अगर आपके चारों आंसर करेक्ट हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज जीरो सो देर इज़ नो पार्शियल थिंग और नो तुक्का विच इज़ देयर राइट सो इफ यू टेक ऑल द फोर आंसर्स करेक्टली देन ओनली यू विल गेट फुल टू मार्क्स अदरवाइज यू विल स्ट्रेट अवे गेट जीरो राइट सो व्हाट एवर यू थिंक अभी मैं कुछ भी टिक कर देती हूँ तो व्हाट एवर यू थिंक इज देयर इन द सेम जो टिक इट एंड देन सबमिट द क्वेज जब आप पूरा का पूरा तीन घंटे का एग्जाम दे दोगे तो सिंपल आपको क्वेज को सबमिट कर देना होता है एंड देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स

जो बच्चे ड्रॉप करते हैं वो भी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि अगर वो ड्रॉप करें तो देन जस्ट गिव सेवन आवर्स फॉर रिवाइजिंग योर बेसिक फिजिक्स एंड दैट वुड बी इनफ इन वीक टेन एंड अलेवेन Uh, दो वीक तक आपको लगेगा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर अकेला करने में ठीक है ऑल द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर टॉपिक्स यू हैव टू कंप्लीट सो यू हैव टू लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सपोज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सो यू हैव टू टॉक अबाउट वर द फेमस बिल्डिंग्स इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सांची स्तूपा है ठीक है पिलर्स हैं अशोका पिलर है एंड देर आर अदर बिल्डिंग बिल्डिंग्स एज वेल सो यू हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स यू हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डोम होता है या पिलर्स होते हैं या फिर uh, चैत्या हॉल्स होते

टू आवर्स डेली तो आप मतलब समझ सकते हो कि एक वीक में फोर्टीन आवर्स आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए देना ही देना है ठीक है एक वीक में फोर्टीन आवर्स तो दो वीक तक करोगे तभी जाके इट विल बी कम्प्लीट एंड लास्ट ईयर देर वार लॉट ऑफ क्वेश्चन विच केम फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपके फेमस बिल्डिंग्स भी अपने आप कवर हो जाती हैं एटलीस्ट मॉन्यूमेंट्स तो हो ही जाते हैं That is why it overlaps with famous architects and famous buildings as well. And then अगेन प्रैक्टिस स्पॉट द डिफरेंसिस बिकॉज ये आपकी ब्रेन स्टॉमिंग करेगा आपका दिमाग ना बंद नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे बिकॉज नाटा इज एन एग्जामिनेशन वेर यू कैन हैव अ क्लोज माइंड योर माइंड शुड बी रनिंग यू यू शुड हैव हार्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ब्रेन स्टॉमिंग टू अटेंड द क्वेश्चन ईजिली राइट एंड इन द लास्ट वीक प्लीज प्रैक्टिस द थर्टी सेकेंड क्वेश्चन थर्टी सेकेंड क्वेश्चन वही होता है जो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ थर्टी सेकेंड के लिए आता है एंड फिर चला जाता है तो उसके बेसिस पे आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी वगैरह आपको प्रैक्टिस पड़ी, इसका कोई बुक नहीं आता है ओनली वी हैव मेड थर्टी सेकंड क्वेश्चन रेस्ट देर इज नो बुक अवेलेबल इन मार्केट एज ऑफ नाउ अगर है तो मुझे नहीं पता बाकी नहीं है मोस्टली पेंटिंग्स दिस इज ऑल्सो यू क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा ठीक है तो uh, वैसे तो इन आर सडी मेटेल प्रैक्टिसिंग लिस्ट ऑफ लोगोज एंड प्रिपेयर फ्रॉम from एवर यू want ओके नाव वीक थर्टीन एंड फोर्टीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक्स यू विल हैव फॉर नट एग्जामिनेशन एंड दैट विल भी फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट तो जैसे मैंने अभी आपको मॉक टेस्ट दिखाया आपको पता ही लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है यू विल जस्ट वेन यू विल गिव ट्वेंटी मॉक टेस्ट

ऑलमोस्ट दे जा रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन सेम या रिपीटेड ना आए तो सेम क्वेश्चन आएंगे एंड देन आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही आएंगे सो टेस्ट यू हैव टू गिव अ लॉट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन एंड फाइनलाइज एंड रिटेन इन योर माइंड वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ एंड दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू डू वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन फॉर नाटा एग्जामिनेशन इन फोर्टीन वीक्स आई होप यू लाइक माई फोर्टीन वीक्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी गाइज एंड also we have just recently organized free demo classes for all of you so in case you are interested to have free demo classes you can contact us on the number which is there on the screen also on the description box so you can just contact us ask your doubts have the free content as well okay, मैसेज करो बात करो पूछो तभी तो अच्छे स्कोर कर पाओगे ठीक है खुद से प्रिपरेशन करना चाहोगे तो मे बी वो इतना बेनिफिशियल ना हो एट दिस स्टेज बिकॉज टाइम बहुत कम है और सिलेबस ही ऐसा है कि कोई एक जगह पे प्रॉपर बुक्स भी अवेलेबल नहीं है तो मोस्टली आपका टाइम कंटेंट ही इकट्ठा करने में चला जाएगा दैट इज़ नॉट गुड राइट सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ इट्स सेल्फ एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक दो वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखनी है सो दैट आई कैन कम अप विथ वीडियोज़ ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स ठीक है चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा बेलाइकन भी प्रेस कर दो एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय एवरी वन